और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आज वनडे वर्ल्ड कप 2023 का महामुकाबला है, मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा है। बता दें कि 5 बार के विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मैच खेला जा रहा है। बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से ये मैच शुरू होगा और इस बड़े मुकाबले के पहले और बीच में एयर शो से लेकर दुआ लिपा के परफॉर्मेंस के साथ कई सारे इवेंट्स भी होंगे और पूरे देश में अब उत्साह और उमंग का हर तरफ माहौल दिखाई दे रहा है। देश विदेश से कई बड़ी शख्सियत इस दौरान स्टेडियम में मौजूद भी रहने वाली हैं। अहमदाबाद के जिस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाना है उसके दर्शक क्षमता भी 1.25 लाख से ज़्यादा है और देखिए पूरे देश में सुबह से ही दुआओं का दौर भी जारी है। महामुकाबले के लिए लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं और टीम इंडिया हर जगह एक ही गूंज सुनाई दे रही है। पूरे भारत में आज एक त्यौहार की तरह आज मनाया जा रहा है और वहीं पर छठ महापर्व भी है जिसको लेकर पूरे देश में तैयारियां देखने को मिल रही है। महामुकाबले में टीम इंडिया के जो उम्मीदें हैं आम जनता की वो कहीं ना कहीं हर तरफ से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं आपको दिखा भी रहे हैं। लोग पोस्टर लिए हैं, हाथों में झंडे उड़ा रहे हैं, तिरंगा बनवा रहे हैं अपने चेहरे पर। तो तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो टीम इंडिया को मजबूती से दिखाने के लिए आम जनता अपने दिलों में जो प्यार है टीम इंडिया के लिए वो दिखा रही है। तो पूरे देश में एक अलग ही जश्न आज देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से टीम इंडिया ने अपना परफॉर्मेंस दिया है, सेमीफाइनल हो और आज फाइनल होने जा रहा है, तो उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि टीम इंडिया ने बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इस बार। तो लोग आज तरह तरह के टीम इंडिया को चीयर करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और तस्वीरें लेकर घूम रहे हैं, पोस्टर्स लेकर घूम रहे हैं टीम इंडिया की। तो अलग अलग जगह से हमने आपको पहले तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार की तरह है और लोग उससे जश्न की तरह मना रहे हैं। संवाददाता दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, क्या कुछ माहौल अभी देखने को मिल रहा है क्योंकि पूरे देश में जश्न का माहौल है, एक तरफ छठ महापर्व है और दूसरी तरफ आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ा त्यौहार है। जी नंदी, मैं आपको बता दूं आज जो है वर्ल्ड कप का फाइनल है, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। एक और जहां पर पूरे देश में दुआओं का असर, वहीं कानपुर में अगर कानपुर की बात की जाए तो लगातार दुआओं से टीम इंडिया को ब्लेसिंग देने की कोशिश है। जगह जगह हवन पूजन चल रहा है और सभी ये देशवासी चाहते हैं कि इस बार जो चार साल के इंतजार के बाद जो वर्ल्ड कप आया है उसमें हमारी टीम इंडिया है वो लगातार अब तक 10 मैच लगातार जीती हुई आई है और इसी जीत के क्रम को वो बरकरार रखे और वर्ल्ड कप हमको जिताए। और तरह तरह के मतलब मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, एक सदबरी ग्राउंड है साउथ में, कानपुर साउथ में सदबरी ग्राउंड, वहाँ पे कुछ युवा वर्ग हमारे साथ मौजूद है जो कि क्रिकेट खेलते भी हैं और देखते भी हैं। काफी उत्साह युवाओं के बीच में नजर आ रहा है नंदी। दुर्गेश, वहां की आम जनता से बातचीत करिए, देखिए क्या कुछ आज उम्मीदें लगाए बैठे हैं टीम इंडिया से क्योंकि टीम इंडिया ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है इस बार। तो पूरे देश की निगाहें आज टीम इंडिया पर है और दुआओं का, देखिए आप जैसा कि आपने बताया कि दुआओं का दौर भी जारी है, तो वहां की आम जनता क्या कुछ सोच रही है आज के लिए? हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, आइए नंदी उससे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक वर्मा है। टीम इंडिया का अच्छा प्रदर्शन रहा है, लगातार 10 मैचों में जीत हासिल की है, आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तरफा मैच जीतेगी आज इंडिया, जैसे नीदरलैंड हारा था बिल्कुल ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया हारने वाला है क्योंकि समी भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? समी भाई हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद है नन्नी, आइन से बात करते हैं, क्या कुछ स्कोर रहने वाला है, क्या स्कोर रखते हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया कितने रन बनाएगी ऑस्ट्रेलिया? What if India selected to bat first, then what we think the score is going to be approximately 300 plus, then what we think we can win? Surely, because the pitch is a batting pitch properly. And when it comes to Australia, definitely there he's playing like slowly from starting, but right now he's in the full form. You can't expect because he's already a 5 times winner in his career. देखिए बात अगर ऑस्ट्रेलिया की जाए तो ऑस्ट्रेलिया पहले कुछ अपने 2 मैच करीबन हारी, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए और फाइनल में जगह बनाई है और उनका सीधा सीधा मुकाबला इंडिया टीम से जो कि 10 मैच लगातार खेलते हुए आई है और अब तक हारी नहीं है। तो आज जो है मैच वो लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर होने वाली है, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल मानूंगा कांटे की टक्कर होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक नॉर्मल टीम नहीं है, वो ऑलरेडी 5 बार की विश्व चैंपियन है, उसको अच्छे से पता है क्या करना है
और उसके हर प्लेयर के पास बैटिंग है, 9 नंबर तक आप देखेंगे बैटिंग है, पैट कमिंस तक वो बैटिंग कराते हैं, मैक्सवेल की जैसा फॉर्म में देख रहे हैं, सब बड़े प्लेयर हैं, चाहे फिर कैप्टन हो खुद, चाहे स्टीव स्मिथ हो, चाहे डेविड वार्नर हो, हम लोग को कुछ भी हल्के में किसी भी अगर फील्ड में हम लोगों ने एक पर्सन भी छोड़ा तो वो लोग समझिए मौका नहीं छोड़ेंगे। और जैसा कि 2003 में हम लोगों ने देखा ही था कि वो रनआउट और हम लोग के हाथ से वर्ल्ड कप गया, 2019 वाला वो फर्ग्यूसन का सामने आना धोनी के, वो वर्ल्ड कप गया, अब ये चांस हम लोग नहीं छोड़ सकते ये भारत में। नन्नी, जैसा कि आपने देखा युवा जो है वो कह रहे हैं कि इस बार 4 साल बाद, 4 साल का जो लंबा इंतजार है वो इस बार खत्म होने वाला है, वो सूखा खत्म होगा और इंडिया जो है टीम इंडिया वर्ल्ड कप उठाएगी। जी नन्नी, आज अहमदाबाद में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और आज देखिए दुर्गेश छठ महापर्व है, एक बड़ा त्यौहार है पूरे भारत का और कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज जो बड़ा त्यौहार है, तो क्या कुछ शासन प्रशासन की तरफ से वहां पर निर्देश दिए गए हैं? नन्नी, बात अगर छठ पूजा की जाए तो यहाँ पे कानपुर दक्षिण में लगातार जो है उसकी छठ पूजा की तैयारियां की जा रही थी और जो नहर और घाट हैं उनकी लगातार सफाई नगर निगम द्वारा की जा रही थी, लेकिन कुछ घाटों में, कानपुर दक्षिण की बात अगर की जाए तो कुछ घाटों में सफाई जो है वो केवल खाना पूर्ति उसकी की गई है, लगातार जो है सफाई का माहौल वहाँ, मतलब सफाई नहीं की गई और घाटों पे गंदगी जो है, इस ऐसे में जो है छठ पूजा में जो व्रती महिलाएं हैं उनको जो पूजा है वो गंदे पानी में ही खड़े होकर करनी पड़ेगी। लगातार ही हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से मुहिम भी चलाई थी कि घाटों पे सफाई जो है हो, नगर निगम के द्वारा कुछ घाटों में सफाई की भी गई लेकिन अभी अगर बात पूरी सफाई की जाए तो वो नहीं है। नन्नी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का महामुकाबला है, यानी कि फाइनल है आज वनडे वर्ल्ड कप का, जिसको लेकर तमाम तरह के देखिए तैयारियां की जा रही हैं, दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगह से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से क्रिकेट प्रेमी आज इस त्यौहार को मना रहे हैं और टीम इंडिया के लिए शेयर कर रहे हैं, हर जगह बस एक ही शोर सुनाई दे रहा है, टीम इंडिया टीम इंडिया टीम इंडिया। और देखिए पूरे देश में आज एक अलग जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, छठ महापर्व भी है और पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं टीम इंडिया के लिए, अग्रिम बधाइयां दी जा रही हैं, दुआएं पढ़ी जा रही हैं, प्रार्थनाएं की जा रही हैं, टीम इंडिया बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई अभी तक चली आई है और आज भी लोगों की यही उम्मीद है कि टीम इंडिया आज बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देगी। संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं लखनऊ से, कलीम क्या कुछ लखनऊ में अभी माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के, वहाँ पर 2 बजे से जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में महामुकाबला होगा वर्ल्ड कप का, उसको लेकर के सुबह से ही लोगों के बीच में जश्न का माहौल है। लेकिन अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में जिस तरह से पूजा पाठ हो रही है, तो हम उस यहाँ पर जो राजधानी लखनऊ की जो तस्वीरें भी दिखाएंगे, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंदिर है पंचमुखी मंदिर हनुमान, वहाँ पर यहाँ देखिए जिस तरीके से इंडिया की जीत के लिए यहाँ पर यज्ञ का पूरा आयोजन किया गया है, लगातार पूजा पाठ भी हो रही है। अगर बातचीत की जाए यहाँ पर जिस तरीके से यज्ञ की जो तैयारियाँ हैं उन तैयारियों को लेकर के अगर हम यहाँ पर बात भी करेंगे तो यहाँ पर जो आशीष तिवारी जी बैठे हैं उनसे बात करेंगे। ये बताइए आशीष जी, जिस तरीके से आज महायज्ञ जा रहा है, वर्ल्ड कप मैच है, तो उसको लेकर किस तरीके का पूरी तैयारी है? देखिए हम लोगों ने आज यहाँ पर जो हमारा महापर्व है क्रिकेट का महापर्व, आज उसका फाइनल है यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में है, हम लोगों ने जीत के लिए यहाँ पर एक हवन विजय यज्ञ का आयोजन करा हुआ है और यहाँ हजरतगंज के दक्षिण मुखी मंदिर में, जो कि बहुत ही पुरातन और प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर हम ये महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आज हम ईश्वर से यही कामना कर रहे हैं कि जिस प्रकार से इंडिया टीम का अभी तक जो भी रहा है प्रदर्शन, उससे भी बेहतर आज प्रदर्शन करके भारत को विश्व कप में विजय दिलाने का काम करें। आशीष जी, जिस तरीके से बात की जाए, साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे, उस समय वर्ल्ड कप जीता गया था, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बातचीत की जाए, जब आमने सामने वर्ल्ड कप में आई थी वो साल 2003 था, अब साल 2023 में भी वही टीम आमने सामने आई वर्ल्ड कप को लेकर के, तो इसको लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ये दो चीजों का ये मैं बोलूंगा, एक तो ये बदला लेने का बहुत अच्छा अवसर है तो हम बदला लेंगे, और ये 2023 है, अभी हमने दीपावली मनाई है कुछ दिन पहले, हम एक दूसरी दीपावली का मौका हमको मिला है, आज दीप भी जलेंगे, पटाखे भी फूटेंगे और उत्सव भी होगा।
तो साफ तौर से कह सकते हैं कि टीम इंडिया की जीत के लिए जिस तरीके से यज्ञ किया जा रहा है तो टीम इंडिया की झोली में ही ये वर्ल्ड कप गिरेगा, 100% गिरेगा, 100%। तो जिस तरीके से नंदिनी जी आपने देखा यहाँ पर जिस तरीके से यज्ञ किया जा रहा है, यज्ञ में जिस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, हवन किया जा रहा है, तो हवन को लेकर के जिस तरीके से बातचीत भी की गई है, तो बातचीत में साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि ये यज्ञ और जो हवन है ये टीम इंडिया की जीत के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से अहमदाबाद के जो स्टेडियम में एक साथ 50,000 से अधिक लोग जब पहुंचेंगे और वहां पर केवल एक ही गूंज सुनाई देगी, टीम इंडिया इंडिया इंडिया, क्योंकि बीती रात से अगर बात की जाए जिस तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप की का जो मैच है वो आखिरी पड़ाव जो है उसको लेकर के लगातार लोगों में जो जश्न की बात की जाए वो अगले दिन से ही पूरी तरीके से जश्न का माहौल दिख रहा था, आतिशबाजियां भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इंडिया का जो प्रदर्शन सामने आ रहा था उस प्रदर्शन को देखते हुए लगातार लोगों में एक जोश है, जश्न का माहौल है। इसके साथ ही बात की जाए जिस तरीके से अभी यहाँ पर बात की जाए और जो लोगों के बीच में बात की जा रही है, लोगों ने जीत की आतिशबाजी को लेकर के पूरी तैयारियां भी कर रखी हैं, क्योंकि जो जीत है जब हासिल होगी उसके बाद, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का जो मैच है वो बात की जाए इंडिया में ही ये मैच हो रहा है और इंडिया की जीत को लेकर के एक बड़ा जश्न का माहौल है। और जैसा कि अभी आशीष जी ने बताया कि टीम इंडिया के लिए एक ये बदले का भी मैच होगा कि जिस तरीके से साल 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा कर वर्ल्ड कप अपनी झोली में डाला था, तो उसी तरीके से अब जब एक बार फिर से आमना सामना है तो उसमें टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा कर उस हार का बदला भी लेगी और वर्ल्ड कप भी अपनी झोली में गिराएगी। देखिए एक सहयोग की तरह ही देखा जा रहा है, जैसा कि आपने बताया कि 2003 और 2023 20 साल बाद वही टीम आमने सामने है और टीम इंडिया के लिए चीयर दिखाई दे रहा है, हर जगह हर तरफ बस एक ही गूंज सुनाई दे रही है। और क्या कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं आज? देखिए जाहिर सी बात है जिस तरीके से कार्यक्रमों की बात की जाए तो स्कूलों में भी अगर बात की जाए तो स्कूलों में भी पूरी तरीके से सजावट की गई है, बच्चों में एक रंगोलियां भी बनाई गई है, इसके साथ ही वहां पर स्क्रीन लगाई गई, वहां पर लाइव प्रसारण पूरा मैच का देखा जा रहा है। और जैसे ही मैच का प्रसारण होता है जो गूंज होती है उस गूंज के साथ लगातार जो जश्न का माहौल है, फिर चाहे नृत्य हो, उन सभी का कार्यक्रम करते हुए लगातार टीम इंडिया का स्वागत भी किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल बात की जाए जिस तरीके से 2 बजे से वर्ल्ड कप मैच की जो शुरुआत होगी उस शुरुआत को करके पहले से ही जश्नों की तैयारी शुरू हो गई है और लगातार कई जगहों पर जश्न भी देखने को मिल रहा है। फिर चाहे क्योंकि आज अगर बात की जाए रविवार है और रविवार के दिन जिस तरीके से वर्ल्ड कप का मैच है तो उस रविवार का पूरा फायदा भी लोग उठा रहे हैं, क्योंकि घरों में भी लोग पूरी तरीके से कैद हैं और उसके साथ ही अगर बात की जाए सिनेमा हॉलों की तो सिनेमा हॉलों में भी लोग पहुंच रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी लाइव प्रसारण पूरा मैच का होगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो 2003 की तर्ज पर ये जो मैच है उसका पूरा लुत्फ उठाने के लिए लोग पूरी तरीके से मैच में के जश्न में डूबे हुए हैं और जो हर तरफ केवल एक ही गूंज सुनाई देती है, टीम इंडिया इंडिया इंडिया। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से 2 बजे से मैच की शुरुआत होगी तो उस शुरुआत के बाद आखिर लोगों का जश्न वो किस तूफान पर पहुंचता है और किस तरीके से पूरा जश्न का माहौल देखने को मिलता है। करीम देखिए मैच शुरू होने से पहले कई तरह के इवेंट्स रखे गए हैं, कई तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज। अगर पॉसिबल हो पाए तो वहां की आम जनता से बात करें कि राजधानी लखनऊ में क्या कुछ आम जनता कितनी उम्मीदें लगाए बैठी है, कितनी उत्साहित है। देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि अगर यहाँ की हम तस्वीरों की बात करेंगे तो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हजरतगंज चौराहे की, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर महायज्ञ की जो तैयारियाँ की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर महायज्ञ में लोग भी बैठे हुए हैं और अभी बातचीत भी की गई है, क्योंकि उस बातचीत के दौरान जैसा कि आशीष तिवारी जी ने बताया भी था और जो युवाओं से अगर बातचीत की जाए, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट स्टेडियम में भी लोगों से बातचीत की गई थी, जो स्पोर्ट्स के लोग थे उनसे बातचीत की गई थी, इंडिया के जो कोच थे वो क्रिकेट टीम के जो कोच थे आशीष जी उनसे भी बातचीत की गई थी, तो उन्होंने भी साफ से कहा था कि जिस तरीके से जो इंडिया की जीत को लेकर के जो जश्न की बात की जाए वो पूरी तरीके से जश्न के माहौल में लोग डूबे हुए हैं, क्योंकि अगर बातचीत की जाए कि जिस तरीके से सारी चीजें, क्योंकि टीम इंडिया को लेकर के जो एक लोगों के बीच उत्साह है, क्योंकि लगातार जो भी अभी तक मैच हुए हैं उन सभी मैचों में एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची है। और इसी बात में अगर कहा जाए जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच वर्ल्ड कप का जो अभी आखिरी पड़ाव है उससे पहले जो मैच हुआ था उस मैच में भी जो ऑस्ट्रेलिया थे उसको इंडिया से शिकस्त खानी पड़ी थी, तो साफ तौर से कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो लोगों से बातचीत भी की गई है अभी तक और बातचीतों में जो चीज़ें सामने आई हैं सभी की जुबान पर केवल टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएँ हैं, प्रार्थनाएँ की जा रही हैं और लगातार जिस तरीके से पूजा पाठ की बात की जाए उसमें भी केवल यही बात सामने आ रही है कि टीम इंडिया को ही
जीत मिलेगी और वर्ल्ड कप जो है वो टीम इंडिया की झोली में गिरेगा। तो साफ तौर से कह सकते हैं नंदनी जी कि जिस तरीके से टीम इंडिया की बात की जाए और इंडिया में जिस तरीके से मैच है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए जो लोगों के बीच एक विश्वास है और जो उत्साह है, तो टीम इंडिया कहीं ना कहीं इस बार जो 2003 का बदला लेते हुए जो वर्ल्ड कप है वो अपनी झोली में गिराएगी। क्योंकि जो बात की जाए बैट्समैन की या फिर बॉलर की, तो लगातार जो प्रदर्शन शमी का रहा है वो भी एक अच्छा रहा है, और बैट्समैन की बात की जाए, चाहे विराट कोहली की बात की जाए, रोहित की बात की जाए, क्योंकि ऐसे जो प्लेयर हैं वो लगातार जो पारी पर पिच पर लगातार बढ़िया प्रदर्शन करते नजर आए, तो इनका पूरा फायदा वर्ल्ड कप में भी देखने को मिल सकता है। देखिए हमारे दर्शकों को एक बार फिर से दिखाइए कलीम किस तरीके से आज राजधानी लखनऊ में महायज्ञ किया जा रहा है, क्योंकि महापर्व है क्रिकेट प्रेमियों के लिए, तो वो तस्वीरें दिखाइए एक बार फिर से हमारे दर्शकों को। देखिए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जो यज्ञ है उस यज्ञ की एक बार फिर से तस्वीरें आपको पूरी लाइव दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बैनर जो लगा हुआ है उस बैनर पर साफ तौर से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडिया की जीत के लिए विजय यज्ञ, यानी कि जो महायज्ञ किया जा रहा है वो यज्ञ टीम इंडिया की जीत के लिए है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आशीष तिवारी जी अपने साथियों के साथ जो समर्थनों की बात की जाए, जिस तरीके से प्रशंसकों की बात की जाए, वो लगातार यहाँ पर जिस तरीके से महायज्ञ कर रहे हैं, और उस केवल यज्ञ केवल हजरतगंज के पंचमुखी हनुमान मंदिर में ही नहीं, कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर जो यज्ञ की बातें सामने आ रही हैं, पूजा पाठ की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि टीम इंडिया की जीत के लिए ये जो यज्ञ है ये उसी को लेकर के किया जा रहा है कि टीम इंडिया की जीत होगी और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त खानी पड़ेगी। फिलहाल जो वर्ल्ड कप का मैच है वो वर्ल्ड कप का मैच को लेकर के जिस तरीके से यज्ञों की पूरी तैयारियाँ की गई हैं, यज्ञ किया जा रहा है, और बात की जाए फिर चाहे हजरतगंज की बात की जाए, अलीगंज की बात की जाए, या फिर राजाजीपुरम मंदिर की बात की जाए, ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर सुबह से ही यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई थी और पूजा पाठ शुरू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि राजधानी लखनऊ वासियों में इस मैच को लेकर के काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। फिलहाल 2 बजे का जो उत्साह है वो काफ़ी आकर्षक होगा लोगों को देखने के लिए, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से 50,000 से अधिक लोग उस स्टेडियम में पहुंचेंगे और स्टेडियम के आसपास के जो लोग होंगे, जो लोग इकट्ठा होंगे, उनमें भी एक काफ़ी उत्साह देखने को मिलेगा इस मैच को देखते हुए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे राजधानी लखनऊ से, जहां पर देखिए विजय यज्ञ किया जा रहा है टीम इंडिया के लिए। आज जिस तरीके से पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है टीम इंडिया के लिए, एक ही गूंज सुनाई दे रही है टीम इंडिया, और आज अहमदाबाद में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दोपहर 2 बजे से ये महामुकाबला शुरू होगा। अलग अलग जगह से हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई किस तरीके से टीम इंडिया को चीयर करने के लिए लोग अपने अपने तरीके से उनका समर्थन दे रहे हैं, उन्हें मजबूत दिखाने के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, राजधानी लखनऊ से आप तस्वीर देख रहे थे जहाँ पर महायज्ञ किया जा रहा है। ऐसे कई तरह के कार्यक्रम आज किए जा रहे हैं टीम इंडिया के जीत के लिए, चाहे वो मंदिरों में प्रार्थनाएँ हों, आरती उतारी जा रही हो, या फिर मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई हो, तो ऐसी अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है। लोग अपने चेहरे पर तिरंगा बनवाए फिर रहे हैं, टीम इंडिया के लिए चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए पूरे देश में जश्न का माहौल है, टीम इंडिया हर जगह बस एक ही गूंज सुनाई दे रही है। अभी हमने राजधानी लखनऊ में देखी, वहां पर महायज्ञ किया जा रहा है टीम इंडिया के लिए। जो पिछले 10 मैचों से नजर आ रही है वो विजय पताका यहाँ पर जो वर्ल्ड कप फाइनल है वहां पर भी लहराएगी, उसके लिए तमाम जगहों पर पूजा अर्चना हो रही है, दुआओं का दौर जारी है। विजय की राजधानी लखनऊ में भी कराया गया। आशीष तिवारी नामक व्यक्ति हैं जो कि आरएलडी के बड़े नेता भी हैं, समाज सेवी, उनके द्वारा यहाँ पर एक विजय की भी कराया गया। तो यहाँ पर सबकी एक ही जो सोच है, एक ही यहाँ पर एक ही दुआ है, एक ही प्रार्थना है कि इस बार जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया जीते और यहाँ पर 3री बार वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में आए, क्योंकि इससे पहले 1983 में कपिल देव की अगुवाई में और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में और यहाँ पर रोहित सिंह की अगुवाई में अब ये वहां पर वर्ल्ड कप की सब लोग एक सपने सजोए बैठे हैं और यह सपना पूरा करने के लिए टीम इंडिया भी लगातार बरकरार है। और जिस तरह से टीम इंडिया का विजय रथ पिछले 10 मैचों से लगातार चलता चला आ रहा है, न्यूजीलैंड को भी सेमीफाइनल में हराया है, वो न्यूजीलैंड जिससे कई यानी खिताबी मुकाबले टीम इंडिया ने हारे हैं, और ऑस्ट्रेलिया जिससे आज यहाँ पर वर्ल्ड कप का मैच है, फाइनल मैच है, उसको भी लीग चरण में इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से हराया था। तो यहाँ पर दबाव बिल्कुल नहीं है, पर यहाँ पर दुआओं को बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जब दुआएं होती है उनका असर यहाँ पर ऑल होता है। और यहाँ पर जिस रूप से फाइनल तैयारी चल रही है और 2 बजे के लगभग यहाँ पर मैच शुरू होगा, अब देखने वाली बात अहम होगी कि पिच का व्यवहार कैसा रहने वाला है और यहाँ पर टॉस जीतने के बाद कौन सी टीम क्या फैसला करती है। और जिस तरह से टीम इंडिया की लगातार जो मेहनत चल रही है, जो टीम इंडिया का लगातार हम प्रदर्शन देख रहे हैं, उसमें कोई
कोई संदेह नहीं है कि इस बार का वर्ल्ड कप भारत में ही आएगा। 2003 और 2023 को एक संयोग की तरह जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि 2003 में भी टीम इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया था और आज भी टीम इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ही है, तो पूरे उसको एक संयोग की तरह देखा जा रहा है। और देखिए आज सबसे बड़ी बात की क्रिकेट के महापर्व के साथ आज छठ महापर्व भी है। बिल्कुल, छठ महापर्व है और छठ मैया की पूजा भी यहाँ पर हो रही है। आज शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य आएगा, उसके बाद कल जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और निश्चित रूप से भारत परंपराओं का देश है, संस्कृति का देश है, समय समय पर तमाम तरह की पूजा अर्चना होती रहती है। तो निश्चित रूप से आज दो महापर्व है, एक महापर्व तो छठ मैया का महापर्व है, भगवान सूर्य का महापर्व है, छठ महापर्व के नाम से जानते हैं। पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चार दिन का पर्व होता है, मुख्यतः दो दिन ये पर्व सूर्य को अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देने के बाद और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद यहाँ पर खत्म होता है, बड़ा पर्व है। और दूसरे पर्व यहाँ पर क्रिकेट का महापर्व है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और आज भारत के बीच में फाइनल मुकाबला होने वाला है। इस महापर्व का आज यहाँ पर अंत होगा कि यहाँ पर कौन जीतेगा। और निश्चित रूप से बड़ी यहाँ पर एक सोच है सबकी कि यहाँ टीम इंडिया जीते। इससे पहले 2003 में हमने देखा था कि एमसीजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में रिकी पोंटिंग की अगुवाई में भारत को हराया गया था ऑस्ट्रेलिया द्वारा, और वहां पर भारत फाइनल में पहुंचा था, पर वहां पर एक प्रकार से जीते जीते हार गए थे। पर निश्चित रूप से यहाँ पर हमने देखा है कि वही इतिहास अब 2023 में है, पर यहाँ पर फील्ड अलग है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि यहाँ पर भारत की सरजमी है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 20 सभा फिर खिताबी भिड़ंत यहाँ पर हो रही है, और बहुत ही रोमांचक भिड़ंत यहाँ पर होने वाली है नंदिनी, इसमें कोई संशय नहीं है। और सभी फैन यहाँ पर पूरी बेसब्री से खिताबी भिड़ंत का इंतजार कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि अगर हम रोड की बात करें तो जब मैच शुरू होगा तो एक प्रकार से लोग थम जाएगा, और चूंकि यहाँ पर आज संडे का दिन है तो यहाँ पर छुट्टी भी लोगों की नहीं है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर छुट्टी है लोगों की, तो लोग इसकी चलते भी यहाँ पर मैच का पूरा लुत्फ उठाएंगे। जिस तरह से सरगर्मियां लग रही हैं वो बता रही हैं कि जो क्रिकेट प्रेमी है, जो हमारे फैन है, और पूरी इंडिया 145 करोड़ की जो आबादी है उस समय रोमांचक है। यहाँ पर जाति धर्म और वर्ग विशेष को सबको अलग भूलते हुए हम केवल इंडिया टीम के लिए प्रार्थना करते हैं। और जिस तरह से मोहम्मद शमी का प्रदर्शन रहा है वो बताता है कि हम जीत हमसे दूर नहीं है। देखिए 2 बजे से मैच शुरू होगा, लेकिन उससे पहले 1:30 बजे सबकी निगाहें टिकी रहेंगी अहमदाबाद के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, कि टॉस में क्या कुछ हो सकता है। देखिए टॉस अहम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पिच की अगर बात करें तो पिच बहुत अलग तरह की पिच है। अब यहाँ पर पिच में सेकंड पारी में कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि दूसरी पारी होती है दूरिया रोशनी में, वहां पर स्पिनर्स को सामना करना इतना आसान नहीं होता है। भारत हो सकता है यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाए, या हो सकता है यहाँ पर सिराज को आराम देकर यहाँ पर अश्विन को यहाँ पर ले, पर यहाँ पर चूंकि वो टीम मैनेजमेंट को फैसला करना है, कप्तान फैसला करते हैं, टीम मैनेजमेंट फैसला करता है, कोच फैसला करता है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कि पहली पारी कौन खेलता है, क्योंकि जो दूसरी पारी खेलेगा तो थोड़ा सा तकलीफ यहाँ पर होने वाली है। और टीम इंडिया यहाँ पर प्रयास यही करेगी कि पहली पारी खेलते हुए बड़ा लक्ष्य यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को दिया जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर अगली जो इनिंग रहेगी ऑस्ट्रेलिया की वहां पर उनको स्पिनर का सामना करना पड़ेगा। और कुलदीप यादव और अश्विन और रविंद्र जडेजा की अगर टिकड़ी वहां पर बॉल फेंकेगी तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान नहीं होगा उस लक्ष्य को चेज करना। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए बहुत ही शानदार माना जाता है, जब भी वहां टीम इंडिया के लिए जीत ही दर्ज की है, लेकिन आज जिस तरीके से मैच है वहां पर क्या लगता है, क्या कुछ वहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और क्या कितने नए रिकॉर्ड बनेंगे? रिकॉर्ड तो बिल्कुल बनेगा, ये वर्ल्ड कप रिकॉर्ड वाला वर्ल्ड कप है, यहाँ पर तमाम बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए गए हैं। यहाँ पर आपका देखा है कि विराट कोहली रिकॉर्ड बनाया, इसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड कप का यहाँ पर एक ये भी है कि ग्लेन मैक्सवेल ने जीता हुआ मैच हारा हुआ मैच यहाँ पर जीत कराए थे, दूसरे पारी के लिए थी, तमाम तरह के रिकॉर्ड है, रन चेजिंग के रिकॉर्ड है, इसके अलावा बड़े बड़े रिकॉर्ड आज भी बनेंगे, तमाम तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैच देखने जहाँ जा सकते हैं। साथ ही साथ तमाम बड़े क्रिकेटर वहाँ पहुँच चुके हैं, कपिल देव की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, तमाम क्रिकेटर वहाँ पहुँच चुके हैं। तो बहुत ही रोमांचक करने वाला मुकाबला होने वाला है, और बड़ा स्टेडियम है गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और बड़ा स्टेडियम पे यहाँ पर बड़ी रोमांच हमको देखने को मिलेगा। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे थे कि किस तरीके से टीम इंडिया को चीयर करने के लिए अलग अलग जगह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। पूरा देश आज उत्साहित है छठ महापर्व के साथ, क्रिकेट प्रेमियों के लिए महापर्व की तरह है, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आज महामुकाबला होने वाला है अहमदाबाद में। ये मैच 2 बजे से शुरू होगा, 1:30 बजे सबकी निगाहें रहेंगे, क्योंकि टॉस होने वाला है, देखते हैं उसमें क्या कुछ, कौन सी टीम बैटिंग लेती है, कौन सी टीम बॉलिंग लेगी, तो ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज सबकी निगाहें अहमदाबाद में टिकी हुई हैं, क्योंकि आज वनडे वर्ल्ड कप का महामुकाबला है और फाइनल है।
तो देखिए आज वर्ल्ड कप का महामुकाबला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आज दोनों टीम भिड़ेंगे, टीम इंडिया और टीम ऑस्ट्रेलिया। जिस तरीके से लगातार टीम इंडिया ने अपनी 10 मैचों में बेस्ट परफॉर्मेंस देती हुई नजर आई है, आज पूरे देश की उम्मीदें यही कि टीम इंडिया आज बेस्ट परफॉर्मेंस आज भी देगी। वहीं अगर बात करें वनडे वर्ल्ड कप की, तो ऑस्ट्रेलिया टीम 8 बार अपनी जीत दर्ज कर चुकी है इसमें, और टीम इंडिया 10 बार अपनी जीत दर्ज कर चुकी है। और आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये महामुकाबला होने जा रहा है। 2 बजे से मैच शुरू होगा, और हमने अभी तक आपको अलग अलग जगह से तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से पूरे देश में जश्न का माहौल है। जो हमारे जनता है अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से उनको समर्थन कर रही है, चाहे वो चेहरे पर तिरंगा बनवाकर हो, चाहे वो यज्ञ हो, हवन हो, पूजा अर्चना हो, दुआओं का दौर भी जारी है इसी बीच। और टीम इंडिया से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि टीम इंडिया ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, तो आज भी लोग उतनी ही उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज वर्ल्ड कप का महामुकाबला खेला जाना है। 2 बजे से ये मैच शुरू होगा। वर्ल्ड कप शुरुआत से ही खास रहा है, और उसका एक शानदार अंत करने के लिए दोनों टीमें जहां मैदान पर भिड़ेंगी, इस बीच फैंस का भरपूर मनोरंजन करने के लिए ICC और BCCI की तरफ से विशेष तैयारियां भी की गई हैं। आज अहमदाबाद में कई तरह के इवेंट्स भी रखे गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स किए जा रहे हैं, जो वहाँ पर दर्शक हैं उसको देखते हुए वो भरपूर उसका आनंद उठाएं मैच का। तो बताया जा रहा है कि वर्ल्ड कप में 2023 के फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय वायुसेना सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के 10 मिनट के एयर शो के साथ फैंस और खिलाड़ियों का मनोरंजन करेगी। इसके लिए वायुसेना ने रिहर्सल भी किया था, तो तमाम तरह के कार्यक्रम भी आज रखे गए हैं। और एयर शो होगा वर्ल्ड कप के में फाइनल में ICC द्वारा 1975 से लेकर 2019 तक के सभी विजेता कप्तानों को बुलाया गया है। इन सभी को पहली बार विशेष ब्लेजर दिया जाएगा। इसमें भारत के कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी भी नजर आ सकते हैं। तो दिग्गज जो हैं क्रिकेट के दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं, फिल्मी सितारे वहां पर पहुंच रहे हैं, और राजनीतिक जगत गलियारों से जो वहां पर सितारे हैं वो भी आज का मैच देखने के लिए, फाइनल महामुकाबला देखने के लिए अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। तमाम तरह के इवेंट्स रखे गए हैं दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए। और वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में मिड डे इवनिंग में मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम म्यूजिक शो दिल जश्न बोले अपनी टीम का नेतृत्व भी करेंगे। तो ये तमाम तरह के इवेंट्स रखे गए हैं आज के महामुकाबला में। 2 बजे से मैच ये शुरू होगा, लेजर शो किया जाएगा, और ऐसे में देश में अलग ही जश्न देखने को मिल रहा है। टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए लोग अपने अपने तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं। टीम इंडिया को मजबूती देने के लिए लोगों ने बस आज हवन की, पूजा किया, अर्चना किया, तो ऐसे तमाम तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पूरे भारत में जश्न का माहौल है, और आज छठ का महापर्व भी है। तो देखा जा रहा है अलग अलग जगहों से तस्वीरें अलग अलग सामने आ रही है किस तरीके से, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सब टीम इंडिया को बस सपोर्ट कर रहे हैं। आज टीम इंडिया से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ गई है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की तारीख है 19 नवंबर, रविवार का दिन। घरों में बैठे लोग और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच का इंतजार। 2 बजे से शुरू होने वाले इस रोमांचक महामुकाबले का गवाह बनेगा अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 2003 के बाद से पहला मौका होगा जब भारतीय टीम कंगारू से वर्ल्ड कप के फाइनल में भिड़ेगी। भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में बदला लेने वाली फीलिंग आनी शुरू भी हो गई है। वैसे इस वर्ल्ड कप में अब तक अपराजय चली आ रही भारतीय टीम का सफर ऑस्ट्रेलिया को हराकर ही शुरू हुआ था। लेकिन जो बात इस वक्त समझना जरूरी है वो ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में झटका खाकर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी में झटका लगा है तो भारत को गेंदबाजी में, इसलिए फाइनल में दोनों के ही तेवर अलग होंगे। वैसे ऑस्ट्रेलिया को झटका जरा ज्यादा जोर का लगा है। वैसे तो भारतीय टीम इस विश्व कप में अपराजय रही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हार का मुंह देखकर इस विश्व कप में फाइनल में अपनी जगह बनाई। विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया का सफर। पहला मैच चेन्नई में भारत ने 6 विकेट से हराया। दूसरा मैच लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका ने 134 रनों से हराया। तीसरा मैच
लखनऊ में श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। चौथा मैच बेंगलुरु में पाकिस्तान को 62 रनों से हराया। पांचवा मैच दिल्ली में नीदरलैंड को 309 रन से हराया। छठा मैच धर्मशाला में न्यूजीलैंड को 5 रन से हराया। सातवा मैच इंग्लैंड को 33 रनों से हराया। आठवां मैच पुणे में अफगानिस्तान को 3 विकेट से हराया। नवा मैच पुणे में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। सेमीफाइनल कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हराया। 2003 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ग्रुप स्टेज में हराया था और उसके बाद पूरे टूर्नामेंट अजय रहते हुए भारत को फाइनल में भी पटका था। अब 2023 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को लीग स्टेज में हराया और पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गवाया। लेकिन साल 2003 और साल 2015 वो मौका था जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ट्रॉफी से एक कदम की दूरी पर हरा दिया था। वर्ल्ड कप 2003 फाइनल को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 125 रनों से हरा दिया था। उस मैच के हाईलाइट ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। वर्ल्ड कप 2003 मैच ब्रीफ, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 359/2 ओवर 50, भारत 234/10 ओवर 39.2। ऑस्ट्रेलिया ने 125 रन से जीता मैच। 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच ब्रीफ, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 328/7 ओवर 50, भारत 233/10 ओवर 46.5। ऑस्ट्रेलिया ने 95 रन से जीता मैच। 8वीं बार वर्ल्ड कप में एंट्री करने वाली ऑस्ट्रेलिया इस बार बल्लेबाजी में थोड़ी कमजोर नजर आई। याद कीजिए अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह कंगारुओं को परेशान किया था। 292 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 91 रन पर 7 विकेट गवा दिए थे। वो तो ग्लेन मैक्सवेल ने करिश्माई पारी खेल दी, वरना ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब थी। इसके अलावा इसी वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 रन के भीतर सिमट गई थी। श्रीलंका के खिलाफ 210 रन का लक्ष्य हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट गवा दिए थे। इसके पीछे की वजह है ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर में कमजोरी। अनुभवी स्टीव स्मिथ अभी तक अपने रंग में नहीं दिखे। सेमीफाइनल में वो जो शॉट खेलकर आउट हुए उस पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में चर्चा जरूर होगी। मार्नस लाबुशेन की बल्लेबाजी भी औसत ही रही। उन्होंने 2 अर्धशतक समेत 10 मैच में 304 रन बनाए। डेविड वार्नर और मिशेल मार्श के भरोसे ऑस्ट्रेलिया टीम फाइनल तक तो पहुंच गई है, लेकिन फाइनल में टीम के बल्लेबाजों को एकजुट प्रदर्शन करना होगा, वरना उसके फैंस को मायूसी मिलना तय है। फाइनल मैच से ठीक पहले जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को झटका लगा, तो वहीं भारतीय गेंदबाजों के भी सेमीफाइनल में पसीने छूट गए। इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल इकलौता ऐसा मैच था जिसने भारतीय गेंदबाजों की हालत खराब कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे न्यूजीलैंड की टीम तय करके आई थी कि एक भारतीय गेंदबाज पर अटैक करना है, शायद इसके लिए उन्होंने मोहम्मद सिराज को चुना। सेमीफाइनल मुकाबले में सिराज ने 9 ओवर में 8.6% की इकोनॉमी से 78 रन लुटा दिए थे। सिराज के अलावा बाकी गेंदबाज भी पिछले 9 मैचों के मुकाबले महंगे साबित हुए। बुमराह ने 6.40, जडेजा ने 6.30 की इकोनॉमी से रन दिए थे। ये आंकड़े वनडे फॉर्मेट के लिहाज से कहीं से बुरे नहीं है, लेकिन सेमीफाइनल से पहले इन गेंदबाजों के जिस तरह के आंकड़े थे उसके मुकाबले उलट है। कुल मिलाकर सेमीफाइनल मैच से एक वक्त ऐसा था जब डैरिल मिशेल और केन विलियमसन ने भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया था। इन दोनों ने मिलकर करीब 125 रनों की साझेदारी भी कर ली थी, लेकिन लक्ष्य बड़ा था और उसका दबाव आखिर तक वो नहीं झेल पाई। कंसिस्टेंसी वो कसौटी है जिस पर आंख मूंद कर ये कहा जा सकता है कि भारतीय टीम बेहतर है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने विश्व कप में फाइनल तक का सफर बिना हारे तय किया है, बल्कि इसके पीछे और भी वजह है। भारत ने इस वर्ल्ड कप में जो 10 मैच जीते हैं उसका पैटर्न देखिए, जीत और हार का अंतर देखिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में टॉप ऑर्डर लौटाया तो मिडिल ऑर्डर ने संभाल लिया। बड़े कोच और क्रिकेटर इस बार शानदार जीत की उम्मीद लिए बैठे हैं, लेकिन बीते 48 साल में कई बार ऐसे मौके आए जब भारत चैंपियन बनने के करीब पहुंचा, लेकिन जीत 2 बार ही मिली। साल 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में भारत पहली बार चैंपियन बना था। दूसरी बार साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत वर्ल्ड कप चैंपियन बना था।
अब रोहित शर्मा के पास नया इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। वर्ल्ड कप में भारत का सफर 1975 पांचवां, 1979 सातवां, 1983 विजेता, 1987 सेमीफाइनल, 1992 सातवां, 1996 सेमीफाइनल, 1999 छठवां, 2003 उप विजेता, 2007 नौवां, 2011 विजेता, 2015 सेमीफाइनल, 2019 सेमीफाइनल और 2023 फाइनल। भारत ने इस बार वर्ल्ड कप में पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके एक नया इतिहास लिखा है। भारत ने टूर्नामेंट में लगातार 10 मुकाबले जीते हैं। भारत ने यह कारनामा 20 साल बाद अपने ही रिकॉर्ड को चकनाचूर करके किया है। रोहित ब्रिगेड के पास ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड की बराबरी करने का शानदार मौका है, साथ ही 10 साल से आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सूखा खत्म करने का मौका भी है। स्पोर्ट डेस्क ब्रांच। जैसे ही सुई की घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, वैसे ही लोग बेहद उत्साहित और उम्मीदों से भरते हुए जा रहे हैं। आज टीम इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का महामुकाबला है। हमने आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से इंडिया का अभी तक का सफर रहा है जो वर्ल्ड कप में, और आज देखिए पूरे देश की निगाहें अहमदाबाद के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है। आज इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेलना जाना है। दोनों टीमों के बीच दोपहर 2 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किताबी जंग का आगाज होगा। टॉस 1:30 बजे है। 5 अक्टूबर को शुरू हुए इस टूर्नामेंट में 46वें दिन जाकर चैंपियन का फैसला होता है। भारत की तीसरी ट्रॉफी पर निगाह होगी आज, और टीम लंबे समय से चली आ रही खिताबी सूखों को खत्म करना चाहती है, क्योंकि टीम इंडिया ने अभी तक वर्ल्ड कप 2 बार जीती है, तो आज भी तीसरा जो वर्ल्ड कप है टीम इंडिया के झोली में आना चाहिए, ऐसा पूरा देश मना रहा है। पूरे देश को आज टीम इंडिया से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। अलग अलग जगह से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से लोग प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, दुआएँ कर रहे हैं और यज्ञ किया जा रहा है टीम इंडिया के लिए। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरी बार फाइनल आमने सामने हैं। टीम इंडिया साल 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार का बदला लेने के फिराक में आज पूरी तरीके से नजर आ रही है। ये सपना साकार होता है देखने के लिए करोड़ों लोग आज वहां पर स्टेडियम में मौजूद हैं, और पूरे देश के निगाहें भी आज अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में सभी की टिकी हुई हैं। वहीं बात करें तो भारत ने 12 साल पहले आखिरी वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। भारत 2011 में MS धोनी के नेतृत्व में चैंपियन बनी थी, और कपिल देव की कप्तानी में 1983 में ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया था। यानी कि इंडिया 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो 5 बार वर्ल्ड कप की विजेता टीम रही है। तो जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ रही है, लोग उतने ही उत्साहित और उमंग दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से टीम इंडिया से आज लोगों की उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा हैं, टीम इंडिया अभी तक 10 मैचों में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती हुई आई है, आज भी लोग उतना ही उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत कर आएगी। तो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया फाइनल मुकाबले के लिए फैंस सुबह से ही मैदान पर पहुंचने लगे हैं। अलग अलग जगह से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि तस्वीरें में किस तरीके से दिखा आम जनता, जो बेहद उत्साहित नजर आ रही है। और आज टीम इंडिया वर्सेज वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया का फाइनल महामुकाबला अहमदाबाद में खेला जाना है। तो तमाम तरह के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, इवेंट्स किए गए हैं वहां पर अहमदाबाद में भी। तमाम तरह के आज क्रिकेट स्टेडियम में इवेंट्स रखे गए हैं दर्शकों को मनोरंजन के लिए। वहाँ पर जो लोग उपस्थित रहेंगे तो इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। तो देखिए पूरे देश में जश्न का माहौल है। आज छठ महापर्व भी है, इसको लेकर भी लोग बेहद उत्साहित हैं, छठ महापर्व को भी मना रहे हैं। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये किसी महापर्व से कम नहीं है। लोग जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो आज महायज्ञ कर रहे हैं, मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, और टीम इंडिया बस एक ही गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। तो बता दें कि 2023 फाइनल के दौरान ही क्लोजिंग सेरेमनी होगी। मैच शुरू होने से पहले भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एयर शो पेश कर रही है, और इस एयर शो की टाइमिंग 15 मिनट की होगी, जो 1:35 से शुरू होकर 50 मिनट तक चलेगा। इसके अलावा पहली पारी के ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान प्लेबैक सिंगर आदित्य गांधी परफॉर्म करने वाले। तो तमाम तरह के ऐसे कार्यक्रम भी रखे गए हैं आज, और
वहीं कहा जा रहा है कि जोनिता दांगी, नक्श अजीत, अमित मिश्रा तमाम तरह के ऐसे परफॉर्मर है जो आज अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेजर लाइट शो होने वाला है, नगाड़े, धूम, दंगल और तमाम तरह के ऐसे जश्न आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में रखा गया है जो सेलिब्रेट किया जाएगा। और फाइनल महामुकाबला है, इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं जो कि आप देख भी सकते हैं। और हमने अलग अलग जगह से आपको तस्वीरें भी दिखाई कि टीम इंडिया को लेकर किस तरीके से लोगों के दिलों में इतनी उम्मीदें हैं। आम जनता बेहद ही उत्साहित है, टीम इंडिया की जो पोस्टर्स हैं उनको लेकर उनके फैंस, उनके प्रशंसक घूम रहे हैं और टीम इंडिया चीयर करते हुए हर जगह नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल है, दोनों टीमों के बीच दोपहर 2 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबे जंग का आगाज होगा। टॉस 1:30 बजे किया जाएगा। और वहीं बात करें तो 5 अक्टूबर को शुरू हुए टूर्नामेंट में 46वें दिन जाकर चैंपियन का फैसला होगा। भारत की तीसरी ट्रॉफी पर निगाह होगी और लंबे समय से चली आ रही खिताबी सिखों को आज टीम इंडिया खत्म करना चाहती है। फाइनल में आमने सामने हैं टीम इंडिया और टीम ऑस्ट्रेलिया। टीम इंडिया साल 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार का आज अपना बदला भी लेगी और इसी तरीके से पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं बता दें कि भारत ने 12 साल पहले आखिरी वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। भारत 2011 में एमएस धोनी के नेतृत्व में चैंपियन बनी थी। वहीं कपिल देव की कप्तानी में 1983 में ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया था। तो वर्ल्ड कप में भारत ने 2 बार अपनी जीत हासिल की थी। वहीं अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया टीम की तो वो 5 बार वर्ल्ड कप का जीत हासिल कर चुकी है। तो वर्ल्ड कप का आज महामुकाबला है, टीम इंडिया वर्सेस टीम ऑस्ट्रेलिया। 2003 और 2023 के कुछ ऐसे संयोग भी दिखाई दे रहे हैं जिसको लोग रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए पूरे देश में जश्न का माहौल है और पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जो उनके प्रशंसक है, जो उनके फैंस है, क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज बड़ा ही महापर्व है। पूरा देश इस जश्न में डूबा हुआ है। टीम इंडिया को चीयर किया जा रहा है, टीम इंडिया को मजबूती से दिखाया जा रहा है और उनके जो फैंस हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके लिए अलग ही प्यार देखने को मिल रहा है। अग्रिम बधाइयां दे रहे हैं अपनी टीम इंडिया को। तो फाइनल मैच को लेकर पूरे देश में लोग उत्साहित हैं। तरह तरह की तस्वीरें हमने आपको अलग अलग जगह से दिखाई कि किस तरीके से लोग टीम इंडिया के सपोर्ट में खड़े हैं। राजधानी में भी हमने दिखाया कि किस तरीके से वहाँ पर मैच में जीत के लिए यज्ञ किया जा रहा है, हवन पूजन किया जा रहा है, दुआओं का दौर जारी है, मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही हैं, तो मस्जिदों में नमाज पढ़ा जा रहा है। तो देश की एकता आज पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। प्रशंसकों में दुआओं का दौर जारी है। इसी के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में तमाम तरह के इवेंट्स भी रखे गए हैं, कार्यक्रम रखे गए हैं, जो मैच होने से पहले कार्यक्रम किए जाएंगे, वहाँ के जो दर्शक है उसका लुत्फ उठा सकेंगे। और पूरे देश की निगाहें आज अहमदाबाद में ही टिकी हुई हैं। दोपहर 2 बजे से ये मैच शुरू होगा। रुकते ही छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।